दोस्तों अब एक और सारस हुआ वायरल, वो आरिफ का सारस था, ये आमिर का सारस है। बहुत ही प्यार से रहते हैं ये। और ये सारस भी आरिफ के सारस की तरह आमिर के साथ रहता है और इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। ये चीज था तो वो चीजें आपको भी फेस करनी पड़ेगी अब, क्योंकि आप सोशल मीडिया में आप वायरल हैं, आपकी स्टोरी लोग जानना चाहेंगे, अभी तो रिपोर्टर बड़े बड़े आएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी बहुत अच्छा लग रहा है आज तो। ये सारस को आप आगे कहाँ देना चाहेंगे, क्योंकि सारस जो हमारा एक राजकीय पक्षी है और आरिफ भाई को थोड़ा कुछ मुश्किल का सामना भी करना पड़ा है, क्योंकि उसने कुछ राजनीति हो गई थी और हम उम्मीद करेंगे ऐसा कुछ सीन यहाँ पे ना हो, तो आपको पहले से सतर्क रहना है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि लोग आते हैं तो भैया पंख फैला दिया, पंख फैलाना है, भीड़ लगाना है। मैं डर गया। अच्छा अच्छा, ये दोपहर में घूमता है तो घूमने भी नहीं दिए इसको। तो अच्छा, ये आपकी आवाज से चलता होगा ये भी? जी चलता है, कभी कभी घूमने का मन करता है तो नहीं सुनता, लेकिन फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फाइनली गाइस अभी क्या ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये अभी कुछ नहीं सुनेगा क्योंकि अभी बच्चा है, अभी इसकी उम्र सिर्फ 5 महीने की है, तो थोड़ा ये नर्वस फील करता है क्योंकि अभी ये मैच्योर नहीं हुआ, अभी ये इससे इंटरव्यू वगैरह फेस नहीं किया जैसे आरिफ भाई ने किया है, क्योंकि वो 1 साल से था और 1 साल से साथ में रेडी, मतलब डेली उनका था कि जॉब करने आता था, लोग इंटरफेस कर रहे थे पूरा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं है। अभी अकेले होता अच्छा, चाहे जान लेके जाता, सुनता, भीड़ देखकर थोड़ा ये हो जाता। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे उस टाइम की, मैं सुना था कि मतलब ये मतलब था कि कहने वगैरह कुछ खा गया था ये? जी जी, छोटा था, प्लास्टिक और अच्छा, अच्छा। ये जो होती है वो सब सब खा, चूड़िया जो अच्छा रहती है वो। क्या खाना खाने देते थे क्या आप? जी नहीं, घूमता रहता था, कहीं पड़ी रहती थी। अच्छा अच्छा, निकल जा। तो आमिर भाई एक ये बताइए, आरिफ भाई के पास जो है वो तो जेंट्स है जी, ये क्या है, मेल है या फीमेल? मुझे लगता है फीमेल। और तो शादी करवाना पड़ेगा, बारात और बुलवाते क्या आरिफ भाई से फोन करके? वो तो आरिफ भाई कभी मिलने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आरिफ भाई अगर बुलाएं तो जाएंगे, जरूर बुलाएंगे यार। आप भाई वो मेल ये फीमेल रिश्ता हो जाएगा भाई, रिश्ते बन जाएंगे, फैमिली बढ़ जाएगी, जैसा कि आप जानते हैं इस समय इनकी जनजाति जो है वो कम हो रही है, तो भाई ये एक सुनहरा अवसर है आपके पास कि इनकी जो प्रजाति है और रिश्तेदारी बदल लेगा भाई। ठीक है, आप लड़की वाले वो लड़के वाले आइए इनके पापा से बात करते हैं। श्योर नहीं है लेकिन अभी आरिफ भाई से कभी बात हुई आप? जी नहीं, वो मुझे नहीं जान करवा दे। अच्छा, जानते हैं अभी हमने बात किया था आरिफ भाई से तो हमने बताया, वो जो आपको जानते हैं, देखा भी है आप।